कि अगर कोई आगरा प्रॉपर्टी से आप जा रहा हो बाइक, उसके पीछे फायर नहीं आपने करना है। तो अगर वो अगर आपको नुकसान पहुँचा के जा रहा हो, आपकी नॉलेज में हो, फिर भी आप अगर पीछे फायर करते तो लीगली आप प्रोटेक्टेड नहीं। जब आपको नुकसान पहुँचा रहा था आपने तब फायर क्यों किया? क्या आपकी विजिबिलिटी में नहीं था? अच्छा, आपकी नॉलेज में नहीं था, आप बाहर थे घर से? अच्छा, या मौका नहीं किसी घर वाले को जी राइट पहुँचाया। अब जो इनका केस एक्सट्रीम है, इसमें आपने प्रूव कर, इफ यू हैव द रेलेवेंट एविडेंस, अरे इनके बंदे को नुकसान पहुंचा है, वो एक एविडेंस। इफ यू हैव द एविडेंस एंड इट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लॉयर एज वेल, आई हैव अ गुड लॉयर, फाइट द केस, बट कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, इसके अलावा बात नहीं। सर, लॉस से मुराद क्या सिर्फ इंसानी इंसान की, मतलब वो जो होता है कि उसको बात करें कि उसके किसी रिलेटिव को या उसने कुछ शूट किया तभी इंसान से नुकसान से मुराद ये भी हो सकता है कि मनी होगी, लेस पोज या कुछ भी हो गया, वो लेके जा रहा है, आपको पता चल गया कि यार ये आपका शूट किया, इसका मतलब जो आपका ब्रीफ केस था वो पैसों वाला या जो भी था वो लेके जा रहा है, चोर चोरी करके जा रहा है, लेकिन उस टाइम पर आपके पास वेपन नहीं है, लेकिन अब वो जब जा रहे हैं तो तब आप उसको पीछे से बाद में मतलब शूट कर सकते हैं। देखें, सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना जी, खाली दिमाग खर्च नहीं करना ना, आपने एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। इफ़ यू कैन प्रूव इट, अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि चोर चोरी करके जा रहा था, मेरा नुकसान करके जा रहा था, क्योंकि जब आप को पुलिस लेके जाएगी, उसको भी पकड़ेगी, कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में आपने प्रूव करना है आप इनोसेंट हैं, उसने प्रूव करना है वो इनोसेंट है, आपने प्रूव करना है आपने डिफेंड किया है, उसने प्रूव करना है कि मैं तो गुजर रहा था, दोनों के लॉयर्स होंगे। ये सर, आजकल जैसे देखिए अभी बहुत सारी सीसीटीवी वीडियोस में आप देख रहे होते हैं कि शॉपकीपर्स होते हैं, मतलब वो गन पॉइंट पर ढूंढ के जा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन लोग उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको आपके पास सब कुछ है, ठीक है, और आपको पता है कि ये वारदात करके निकल रहा है, तो आपने फिर उसको शूट करने का क्या है या क्या चीज़ें? अगर ये मामला आपके साथ होता है, ठीक है, कोई भी बंदा आता है वो कहता है जो कुछ है निकाल, अभी हम वेपन की बात नहीं कर रहे हैं, या नहीं, द ईजीएस्ट वे इज गिव हिम वट एवर यू वॉन्ट, अपनी जान, आपकी जान होगी तो आप पर्चे भी कटा लेंगे, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगा लेंगे, लॉयर भी हायर कर लेंगे, जान बचेगी तो काम करें, जान सबसे अहम। सर, मसला ये है कि जो जो लीगल सिस्टम है आपका, हमारे जो सर सिस्टम करप्शन सिस्टम हमारा नहीं है मुल्क, सर देखिए जो जो सिस्टम मुल्क है ना, तो आप इस मुल्क के बस, ठीक है, चोर पकड़े गए 3 महीने की सजा हो जाएगी, व्हाट्स द पॉइंट? आपकी बात सही है, आपका लॉस भी हो गया, रेपुटेशन का भी लॉस हुआ आपको, और आपका साथ लॉस हुआ हमारा हुआ ना, वो 3 महीने अडयाले में रह के वापस आ गया, फिर तो वही काम शुरू कर दिया। सर की लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने, इनके साथ वारदात हो चुकी है और इन्होंने बताया कि 3 माह के टाइम तक वो बाहर भी आ गए। कहने का मकसद ये है, खाली जो हम देखते हैं वो ऐसा नहीं है, जब आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं आपने अपना पॉइंट प्रूव करना है, कुछ कर पाते हैं थ्रू द लॉयर, कुछ नहीं कर पाते, हम सोचते कुछ हैं होता कुछ है। इसी चीज़ को जनरलाइज तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्राई टू अवॉइड और डिफ्यूज द सिचुएशन देयर एंड देन जी,